स्टूडेंट्स, देन लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 8, समय का महत्व। तो हम समय यानी के टाइम का इम्पोर्टेंस कितना है वह हमें समझना है। ओके, तो टाइम एक बार चला जाता है, वापस वह आता नहीं है। जैसे कि आप अभी ग्रेड 4 में हो और टर्म 2 जैसे ख़त्म होगा, ओवर होगा, आप ग्रेड 5 में आ जाओगे, तो टाइम कब निकल गया वह पता नहीं चलता है, कब कहाँ से ग्रेड 4 में से 5 में आ गए। तो एक बार टाइम चला जाता है फिर वापस वह टाइम आता नहीं है। आप 5 में से वापस 4 में जाओगे नहीं ना, वैसे ही समय कभी निकल जाता है वह हमें पता नहीं चलता है। तो आज हम समय का कितना यानी टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है वह हम जानेंगे। तो समय का पहिया चलता जाए, पहिया तो पता है ना, पहिया यानी व्हील्स, तो कब समय निकलता जाता है वो हमें पता ही नहीं चलता है। आप घड़ी में देखते हो कि 8 बज गया है, थोड़ी देर में देखते हो तो 9 बजने आया होता है, वैसे ही ये समय का पहिया चलता जाए। समय अनमोल हमें सिखाए, समय हमें कीमती चीज़ें सिखाता है, अनमोल यानि कीमती। जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं, लुटाकर मन के भी वापस ना पाते। व्यर्थ यानि कोई काम की चीज़ ही नहीं है वह। तो जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं, ऐसे ही जाने देते, जाने दो, बाद में पढ़ेंगे, बाद में ये काम करेंगे, तो ये समय हमारा व्यर्थ निकल जाता है। लुटाकर मन के भी वापस ना पाते, हम वापस उसको लूट कर भी नहीं ला सकते। आज डेट है 26, उस दिन हमने कुछ नहीं किया, चलो जाने दो, हम 27 को कर देंगे, लेकिन वापस वो टाइम 26 वाला टाइम जो हमारा वेस्ट गया वो 27 को भी नहीं हो पाया, तो वो तो चला जाएगा। ओके, तो ये हमें वापस टाइम हम नहीं ला सकते। नेक्स्ट, खोया स्वास्थ्य हम पा सकते हैं, जैसे कि हम बीमार है तो हम खोया स्वास्थ्य यानि तंदुरुस्ती, हेल्थ, तो हम वापस ला सकते, अच्छे हो सकते हैं। परिश्रम से असफलता मिटा सकते हैं, परिश्रम यानि मेहनत, असफलता यानि कोई काम में हमें सफलता मिली ही नहीं हो तो वह असफलता, वो मिटा सकते हैं। लेकिन वापस हम उसी मेहनत करेंगे तो हम सफलता पा सकेंगे ना, वैसे ही परिश्रम से हम असफलता मिटा सकते हैं, मेहनत करने से हम सफलता ला सकते हैं। पर गया समय न लौट कर आता, लेकिन वो टाइम जो चला गया वो गया, वो वापस नहीं आता लौट कर भी। समय गंवाने पर हर कोई पछताता, एक बार समय चला गया उसके बाद हर कोई व्यक्ति यानि पर्सन हो वो पछताएगा ही। समय के साथ घूमे धरती, जैसे कि सुबह हुई है वैसे कैसा मौसम है, ओके, वैसे ही टाइम दोपहर का हो गया तो धूप लगेगी, शाम होगी तो ठंडक लगेगी, तो समय के साथ धरती भी घूमती है, एक पल विश्राम नहीं करती। विश्राम यानि आराम, रेस्ट वह नहीं करती है। समय और लहरें बढ़ती जाती है, बराबर, समय और लहरें यानि कि पवन वो बढ़ता ही जाता है, कभी लौट कर नहीं भी आती, कभी वापस लौट कर नहीं आता है। मॉर्निंग गई, आफ्टरनून हो गया, फिर इवनिंग हो जाएगा, तो वापस इवनिंग में मॉर्निंग तो नहीं हो जाएगा। तो समय एक बार वो चला गया वो गया, फिर दूसरे दिन ही मॉर्निंग होगी, तो कभी लौट कर समय वापस नहीं आता है। इसके लिए हमें जो काम आज करना है वो आज ही कर लेना चाहिए, टाइम हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम अधूरी जो पंक्ति है बाकी वह हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू।